हेलो दोस्तों, आज हम एसर नाइट्रो के लैपटॉप में रैम एक्सटेंड करेंगे। सबसे पहले लैपटॉप को प्रॉपरली स्विच ऑफ कर लेना है, फिर इसके बेस पे 11 स्क्रूज दिए हुए हैं, इनको हम खोल लेंगे। सभी स्क्रूज की साइज सेम है। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। इस मॉडल में जो मदरबोर्ड है वो टच पैड पर फिक्स है, सो जो बेस कवर है ये बाहर की तरफ निकलेगा। अभी हमने ओपनर की मदद से बेस और टच पैड के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे ओपनर को डाल के बेस के जो प्लास्टिक के लॉक से इसको अनलॉक कर लेंगे। ये हमने बैक वाली साइड से करना है। ध्यान से करना कि इसकी बॉडी प्लास्टिक की होती है तो वो डैमेज ना हो। फिर हमने धीरे से इसे ऊपर उठा लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये आराम से निकल गया इसका बेस कवर। ये लॉक है एक टूटा हुआ अंदर से, इसको हम बाद में फिक्स कर लेंगे। अभी आप इसके पार्ट्स देख सकते हैं लैपटॉप के। सबसे पहले हम इसकी बैटरी की जो केबल है इसको स्लाइड करके डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसके ऊपर एक टेप लगी होती है, इसको खोल के फिर केबल को स्लाइड करके डिस्कनेक्ट कर लेना है। फिर हमने इसमें रैम फिट करेंगे। उससे पहले जो रैम की स्लॉट है उसको हम ब्रश की मदद से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि कई बार इसमें डस्ट वगैरह फंसा होता है तो वो डिस्प्ले नहीं आएगा उससे प्रॉपरली। क्लीन करके हमने जैसे कट बनाया ठीक वैसे ही रैम डाल के प्रेस कर देना है, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। फिर जो बैटरी की केबल है इसको स्लाइड करके कनेक्ट कर लेंगे और ऊपर से जो टेप है इसको हम लगा लेंगे, फिक्स कर देंगे इसके ऊपर ऐसे ही। अभी जो बेस का कवर है इसको हम फिक्स कर देंगे। जस्ट ऊपर रख के सभी साइड से प्रेस कर लेना ताकि जो प्लास्टिक के लॉक से वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं। फिर हमने बेस के सभी स्क्रूज को टाइट कर लेना है। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। अभी हम लैपटॉप को एक बार स्विच ऑन करके चेक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कीबोर्ड में लाइट आ गई है। ये कुछ सेकंड्स ही लेगा ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले आ गया है। शुक्रिया।